आप ठीक कहती हैं जीजी। मासा अगर मुझे सजा देना चाहती है तो वो उनकी मर्जी, पर मैं जानती हूं कि मैंने कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया। फिर मैं क्यों भुगतूं, घुट घुट कर क्यों जीऊं? क्यों भूख सहकर अपने आप को कष्ट दूं? थारी भरी हुए बस इतनी अकड़ थी, अकड़ दिखानी है तो निभाना भी सीख। दो चार दिन और भूखी रह लेती तो मैं भी सोचती थारी माने के बेटी जनी है। क्यों मासा, मैं क्यों भूखी रहती? मैंने कोई उपवास या व्रत थोड़ी ना किया। जरूर कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा मैंने पिछले जन्म में, जो इस जन्म में ऐसी भींगड़ी देकर भगवान ने बदला चुकाया है। मासा, मैं हलवा बना रही हूं, आपके लिए लेकर आऊं? ना, मारे को रहने दे, थारे हाथ से तो मैं अमृत भी ना चखूं। खुशबू नहीं आ रही है क्या मासा? देसी घी से बना रही हूं हलवा। अपने बापू के घर से पीपे लाई है क्या देसी घी के, जो इतने हक से खा रही है? नहीं मासा, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं मेरे बापू बहुत गरीब हैं, लेकिन मेरा सासरा ईश्वर की कृपा से बहुत बड़ा है, धन धान की कोई कमी नहीं है। और वैसे भी मासा, खाना कपड़ा तो जेल के कैदियों को भी मिलता है, तो फिर ऐसे धनी सासरे में भला मैं क्यों अपने खाने पर रोक टोक लगाऊं? आपको याद है मासा, मेरे मुंह दिखाई के वक्त आप ही ने कहा था, अच्छे से खाना पीना करूंगी तो उम्र में बड़ी दिखने लगूंगी, इसीलिए मैं अच्छे से खाना खा रही हूं, बिल्कुल पेट भरकर। ताकि आपको कोई ताना ना मार सके। अच्छा है बना और खा, ईश्वर की कृपा से कोई कमी ना है हमारे घर में।
हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। कहना आप कम से कम खुद को तो पीड़ा नहीं दे रही। यहाँ तक टीचर जी ने कक्षा में पहले से ही पढ़ा दिया है। छमाई परीक्षा के लिए सारा अध्याय याद करना है मुझे। हाँ भोली, जगदीशा भी आजकल पूरा वक्त किताब कापी में ही घुसा रहता है। लेकिन भोली, तू अपनी छमाई की परीक्षा कैसे देगी? तूने तो अभी अभी दाखिला लिया है ना स्कूल में। आनंदी, वो जो टीचर जी है ना, वो मुझे खुद अलग से ध्यान देकर पढ़ा रहे है, ताकि जो छूटा है वो मैं सारा पकड़ लूं। फिर तो तू पकड़ लेगी, वैसे तू पढ़ाई में भी तो अच्छी है। भोली, मैंने ये सब पहले से ही पढ़ लिया है, लेकिन कुछ कुछ ना भूल गई हूँ। तू और भूल जाए ना, हो ही नहीं सकता। तू तो कितने झट से प्रश्न याद कर लेती थी। प्रश्न ही नहीं, उत्तर भी। परीक्षा के दिनों कितना मजा आता था ना, ढेर सारा पढ़ो, देर रात तक जाग कर पढ़ो। माँ भी हमारे साथ जागती थी, कभी दूध तो कभी चाय। मैं तो कभी कभी जिद करने लगती थी कि मुझे लड्डू ला कर दो, तब भी मैं पढ़ूंगी। लेकिन मेरा खुद का मन बहुत लगता था पढ़ाई में। हाँ, मजा तो आता था, लेकिन तभी जब सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो। एक भी उत्तर भूल जाती थी तो मुझे रोना आ जाता था। अरे, इसमें रोना क्यों? देख फूली, जब भी कोई उत्तर याद ना आवे ना, तो अपनी आंखें मीच कर ऐसे ऐसे दिमाग पर उंगली मारनी चाहिए, तो सब कुछ झट से याद आ जाता है। साची थारी सो। अरे आनंदी, कितना अच्छा होता ना, तू भी मेरे साथ स्कूल चल पाती। साची दे। अगर मेरा बहना हुआ होता ना, तो मैं भी परीक्षा देती। और तू प्रथम भी आती है ना? प्रथम तो अब भी आ सकती है, मेरे पास एक तरकीब है, बताऊं? देखा भूली, कैसे चुपके हमारी बातें सुन रहा था, चोरों की तरह। भूली, तू ऐसा कह दे, मुझे इसके साथ कोई भी बात नहीं करनी। सोच ले भूली, इसके फायदे की बात है। हाँ, सोच लिया। सुन तो ले आनंदी, क्या पता अच्छी तरकीब हो। नहीं सुननी, नहीं सुननी। फूली, तू इसे कह दे कमरे से चला जाए, मुझे झूठों की कोई बात नहीं सुननी होती। अच्छा जीजू सा, बताओ क्या तरकीब है? मैं तभी बताऊंगा जब आनंदी का सुनने का मन हो। बताओ ना जीजोसा, क्यों नोरे कड़वा रहे हो? आनंदी ने ही पूछने को कहा है। मैं तभी बताऊंगा जब आनंदी मेरी दोस्त बनेगी। बनेगी? अब जल्दी से बताओ क्या तरकीब है।